केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों और भाजपा द्वारा गांधी परिवार को प्रताड़ित करने व पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस राहुल गांधी पर ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई के विरोध में चंबा में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान बोलते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष नीरज नैयर ने कहा कि केंद्र सरकार मनमानी ढंग से कार्य कर रही है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, वहीं भाजपा द्वारा कांग्रेसी नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है जिसके विरोध में उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश सचिव राज सिंह, अनुसूचित जाति कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सूर्य भी मौजूद रहे। रोटी कपड़ा दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार नकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चूर चूर हो जाएगा। पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी जो है भाजपा की जो दमनकारी सरकार जो है सेंटर में बैठी हुई है और हमारे पूर्व में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आदरणीय राहुल गांधी जी, जिस हिसाब से उनके पूरे गांधी परिवार को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है और ईडी द्वारा जो है उनके ऊपर जो है झूठे केस जो है बनाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ आज हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो कांग्रेस है अपना रोष प्रकट कर रही है, एक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि ये जो केस हैं जो हमारे पूर्व में रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पे जो किया गया है और हमारी जो अध्यक्षा हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी उन पर भी ईडी द्वारा ये केस किया गया है, ये असल में ईडी द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इस केस के अंदर अभी तक कोई भी जो FIR है वो नहीं हुई है इस केस के अंदर, लेकिन किस बिना पर उनको जो है हर रोज सवेरे 10 बजे जो है उनको ईडी के दफ्तर बुलाया जाता है और शाम को 8-10 घंटे उनसे पूछताछ की जाती है। और एक तरीके से भाजपा की सरकार जो है जो अपनी विफलताएं हैं उनकी पिछले 8 वर्षों की उससे लोगों का ध्यान भटकाने की जो है वो पुरजोर कोशिश कर रही है। आप एक चीज देखो, बेरोजगारी देखो पिछले 8 सालों में कहां से कहां चली गई, महंगाई देखो आप कहां से कहां चली गई, क्योंकि राहुल गांधी जी पूरे देश के युवाओं के लिए आवाज उठाते हैं, बेरोजगारी के ऊपर बोलते हैं, महंगाई के ऊपर बोलते हैं और जो मोदी सरकार की अन्य जो कमियां हैं उनको उजागर करते हैं। इसलिए सिर्फ एक परिवार गांधी परिवार के खिलाफ जो है एक षड्यंत्र तरीके से जो है रचा जा रहा है। ये पहली बार हमें ऐसा देखने को मिला है कि धारा 144 जो है सरकारी जगहों पर लगाई जाती है, यानी कि हम अगर किसी सरकारी एरिया में खड़े होते हैं तो वहां धारा 144 लगाई जाती है। हमारे दिल्ली के अंदर हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो ऑफिस है वहां ताले लगा दिए गए हैं और लोगों को खींच खींच के पदाधिकारियों को जो है बाहर निकाला जा रहा है और वहां किसी को बैठने नहीं दिया जा रहा। ये एक आपातकालीन सिचुएशन जो है पूरे देश के अंदर जो है खड़ी हो गई है, ये डेमोक्रेसी का जो है हनन किया जा रहा है। इस तरीके की चीज ये तो जैसे एक ऐसी सिचुएशन उन्होंने खड़ी कर दी है, तानाशाही जिसे बोलते हैं, ना कोई कानून ना कोई व्यवस्था और पूरे तरीके से जो है सारी व्यवस्थाएं जो है चरमरा गई हैं। और मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि 2015 के अंदर जो है ये जो केस था नेशनल हेराल्ड का, ईडी ने ये केस जो है बंद कर दिया था 2015 के अंदर, तब भी जो सरकार सेंटर में थी वो भारतीय जनता पार्टी की थी। क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी अब गुजरात और हिमाचल के इलेक्शनों से पहले कि 5-6 महीने पहले फिर दोबारा से जो है इस केस को जो है खोला गया है और कोई FIR नहीं हुई है। किसी को ये पता नहीं है कि ये केस जो है किस बिना पर इनको ईडी इनसे पूछताछ कर रही है, ना कोई तथ्य है और आधार एक तरीके से जो है अपने विरोधियों को जो है
डरा धमका के कुचलने की जो है कोशिश की जा रही है। आज हम सारे कांग्रेस जन यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं और एक संदेश हर डिस्ट्रिक्ट से पूरे हिंदुस्तान के अंदर जा रहा है कि ये डराने धमकाने की राजनीति जो है अब ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। और ये जो विभाजन करने वाली जो शक्तियां हैं ये ज्यादा दिन जो है ये कामयाब नहीं हो पाएंगी। कांग्रेस जो है हमेशा जो है इकट्ठे होके देश को इकट्ठा लेके चलने में कांग्रेस ने हमेशा विश्वास रखा है और गांधी परिवार जिसके ऊपर ये पूरे तरीके से पड़ गए हैं मेरा ऐसा मानना है ये जितनी मर्जी कोशिश कर दे सांच को आंच नहीं। और मैं एक चीज आप लोगों के मन से ये बात बोलना चाहता हूं कि हाल ही में आप लोगों ने अभी कल देखा होगा कि जो अग्निपथ जो नया कानून जो आर्मी के लिए लागू किया गया है और जो उम्र है बच्चों की वो 25 साल से 21 साल जो है कर दी गई है ये भी एक मुझे लगता है कि सरकार का दिवालियापन जो है वो दिखाता है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के जो खजाने हैं कुछ खाली होने लग पड़े हैं और 4 साल जो है टेन्योर 15 साल से जो टेन्योर है वो 4 साल कर दिया गया है। और मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ जो हमारे बच्चे थे उन्होंने आर्मी की परीक्षाएं दी और 2 साल हो गए उसका रिजल्ट नहीं निकला और अब क्योंकि बच्चों की उम्र जो है 21 साल कर दी गई है जो बच्चे जिन्होंने इंटरव्यू अब कुछ बच्चे जो हैं उसमें से ओवर एज हो रहे हैं। कल मैं यहाँ आया और मैंने देखा कि काफी जो यूथ था यहाँ इकट्ठा हुआ था और वो नारेबाजी कर रहे थे मोदी सरकार के खिलाफ। तो एक यूथ के अंदर बहुत रोष है, इन लोगों के अंदर बहुत रोष है। अगर ये लोग सोच रहे हैं कि डरा धमका के ये लोग जो हैं सत्ता दोबारा हासिल कर पाएंगे 2024 के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर 2022 के अंदर तो ये मुंगेरी लाल के जो हैं हसीन सपने देख रहे हैं। बाकी कांग्रेस जो है एकत्रित है, इकट्ठे मिलके चलेंगे और 2022 का जो चुनाव है हिमाचल प्रदेश के अंदर हम उसके अंदर विजय हासिल करेंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं और मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी कल चंबा आए और ये मुख्यमंत्री का तीसरा दौरा है चंबा का, लेकिन मुख्यमंत्री जी आते हैं उद्घाटन कर जाते हैं एमआरआई मशीन सिटी स्कैन मशीन उसके 2 बार उद्घाटन कर दिए, एक बार शिमला से एक बार चंबा आके किया, लेकिन 3 बार मुख्यमंत्री चंबा आए। चंबा में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के बारे में एक शब्द जो है वो नहीं बोल पाए, ये बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। वैसे तो उस दिन इनके सेंटर के मिनिस्टर भी आए थे और जब उनसे मेडिकल कॉलेज के बारे में सवाल पूछा गया तो मेरे को बहुत दुख के साथ ये बोलना पड़ता है कि सवाल का जवाब देना तो दूर की बात है, वो प्रेस को फेस भी नहीं कर सके और सीधे उठ के जो है चले गए। मुझे ऐसा लगता है जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं चाहे वो मोदी जी हो चाहे इनके मंत्रिमंडल के साथी हो उन लोगों को गोदी मीडिया से सवाल जवाब करने की आदत है। मुझे लगता है मंत्री जी ने पहली बार हमारे चंबा के ऐसे मीडिया को फेस किया जिन्होंने आम जनमानस की बात जो है उनके सामने रखी और उसका जवाब जो है उनके पास था नहीं। 2 sitting MLA उनके साथ वहां बैठे हुए थे इरावती के अंदर, लेकिन दुख की बात यह है कि वो भी जो है कोई जवाब उसके बारे में मंत्री जी को बोल देते उनको एक्सप्लेन कर देते। वैसे तो मेरे को पता है कि मंत्री जी जो है उनका मेडिकल कॉलेज का दौरा था और मेडिकल कॉलेज उन्होंने जाना था फ्रूट बांटने थे, लेकिन मुझे ऐसा पता लगा है सूत्रों से कि उनको ये चीज बता दी गई थी कि मेडिकल कॉलेज की ऐसी हालत है ऐसी बुरे हालात हैं कि लोग जो है मंत्री जी का घेराव कर देंगे, इसीलिए शायद जो है उन्होंने अपनी मेडिकल कॉलेज की जो उनका दौरा था उन्होंने अचानक जो है
वो रद्द किया। तो मैं आप लोगों के बोलना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी जितनी बार मर्जी चंबा आए, स्वागत है उनका। हमारे चंबा के लिए उद्घाटन ही हो रहे हैं, और उद्घाटन उन स्कीमों के लिए हो रहे हैं जिन स्कीमों के लिए बजट की एलोकेशन ही नहीं हुई है। अब मात्र चार महीने जो हैं वो बचे हैं, और जो है मुख्यमंत्री अब बार बार आएंगे और पता नहीं किस किस चीज़ का उद्घाटन करेंगे, हमें भी पता नहीं। लेकिन जिस चीज़ का भी वो उद्घाटन करेंगे, किसी चीज़ की जो है एलोकेशन नहीं होगी। लेकिन मैं आप प्रेस बंधुओं से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, आज का जो ये धरना प्रदर्शन है उसका जो मुख्य केंद्र बिंदु है, क्योंकि आप लोग सवाल जवाब करने लगे तो मैं भी ज़्यादा मेरा मन बोला कि मैं स्पष्टीकरण दूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री चंबा आए थे। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि गांधी परिवार जो है उसको आप जितना मर्जी बदनाम करने की कोशिश करो, आप जितना मर्जी षड्यंत्र रचने की कोशिश करो, लेकिन हिंदुस्तान की जनता के लिए गांधी परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान है। नेशनल हेरल्ड जो एक समाचार पत्र हुआ करता था, वो एक मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं है। आप लोग ध्यानपूर्वक उसको जरा पढ़ें, उसको वो तो एक शेयर्स की कोई बात है, टेक्निकल चीजें। अब मैं आपको प्रेस के अंदर क्या बताऊंगा इन चीजों का। लेकिन जो नेशनल हेरल्ड जो अखबार है जिसके बारे में इन्होंने इतना हुआ मचा रखा है, और एक धारा 144 कांग्रेस के ऑफिस के बाहर लगा रखी है, और हमारे कांग्रेस के सारे पदाधिकारियों को जेलों में बंद किया जा रहा है, जो अपनी आवाज उठाता है।